गुड मॉर्निंग मुस्कान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे और स्टडी करेंगे। ये क्या टूल्स है, क्या इसका नाम है और कैसे इसका वर्क करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यह एक गेज है जिसका नाम प्लग गेज है। गेज क्या होती है, प्लग गेज है इसका नाम, ठीक है। प्लग गेज के द्वारा क्या करते हैं, प्लग गेज के द्वारा जो इसके दोनों साइड में जो रॉड लगाए गए हैं उसके द्वारा हम होल की साइज को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं गेज क्या होती है। गेज एक ऐसी निश्चित मापी यंत्र होता है जिसका कोई रेंज नहीं होता है, अर्थात गेज जिस साइज की बनी होती है वह केवल उसी साइज को चेक करती है, इसका साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गेज अलग अलग साइज में बहुत बने होते हैं, अलग अलग साइज में ये चेक होते हैं, ठीक है। गेज का प्रयोग अन्य औजारों की अपेक्षा क्यों की जाती है, कंपनियों में सबसे अधिक गेज का प्रयोग करते हैं, क्यों। इसे कम समय में ज़्यादा पार्ट्स को चेक कर सकते हैं जिससे समय की बचत होती है और इसमें कम निरीक्षकों यानी कम चेक करने वालों की से भी काम चल सकता है। इससे वर्कर का काम करने में यानी जो वर्कर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको काम करने में सुविधा होती है और बहुत कम पार्ट्स जो होते हैं खराब होते हैं। गेज द्वारा तैयार पार्ट सही असेंबल होता है और इसके द्वारा जो मार्किंग होती है वो भी सही होती है, यानी कि कम समय में ज़्यादा पार्ट्स को मेजर करने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जो हमारे सामने ये गेज है, ये गेज का पूरा नाम लिमिट प्लग गेज है। क्या है, लिमिट प्लग गेज। लिमिट प्लग गेज क्या होता है, ठीक है। तो आम तौर पर लिमिट प्लग गेज के दो सिरा होता है जिसके एक सिरे पर गो और दूसरे सिरे पर नॉट गो लिखा होता है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिरा है जिस पर ये गो लिखा हुआ है, दूसरा सिरा जो हमारा है ये है इस पे नॉट गो लिखा हुआ है। ओके, तो एक सिरा को गो और दूसरे सिरे को नॉट गो कहते हैं। इन गेज के जो गो सिरा का होल होता है एक टॉलरेंस के अनुसार बना होता है, ठीक है। यानी दोनों जो होल होते हैं, जो गोल होल हैं, ये दोनों टॉलरेंस के हिसाब से है, यानी प्लस और माइनस, प्लस कितना है माइनस कितना है ये भी दोनों चेक करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गो और नॉट गो। अब जो टॉलरेंस है ये आगे बताएंगे कैसे टॉलरेंस है इसमें। तो अर्थात जो गो सिरा है न्यूनतम मांग यानी मिनिमम परमिशनेबल डायमेंशन के बराबर होता है, यानी मिनिमम स्वीकृत माप मापता है, और जो नो गो होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन यानी कि गो सिरा अधिकतम स्वीकृत माप को मापता है, ठीक है। यानी गो जो है मिनिमम और जो नॉट गो है मैक्सिमम, यानी कि जो गो साइज का जो रीडिंग होती है हमारी, गो साइज के रीडिंग से नॉट गो थोड़ा सा ही बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि ओवर साइज, गो का ओवर नॉट गो, क्लियर। ये आगे बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। इनका आकार एवं डिजाइन सरल होता है, इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मापने की सतहों की शुद्धता 0.02
एमएम होती है। यह गेज टूट फूट मतलब जो एक यह गेज टूट फूट रोधी होता है, ठीक है। ये तापमान के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन गेजों की सतह की लैपिंग होनी चाहिए, यानी कि जो लैपिंग होती है घिस जाने पर थोड़ा सा लैपिंग जंग खाने पर हल्का सा लैपिंग होनी चाहिए। इन गेजों के सिरों की पहचान के लिए गो और नॉट गो लिखा होता है, ठीक है। यह गेज तीन प्रकार के होते, सॉरी यह गेज मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला है डबल एंडेड प्लग गेज, जो कि आपके सामने है, डबल एंडेड प्लग गेज। ये डबल एंडेड प्लग गेज होता है, ठीक है ना, जैसे कि सॉरी डबल एंडेड प्लग गेज। देखिए जैसे कि लिमिट प्लग गेज, इसका पूरा नाम है लिमिट प्लग गेज। मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला है आपका डबल इंडेड प्लग गेज, ठीक है। डबल इंडेड प्लग गेज हो गया, जो कि आपका प्लग, ये देखिए आपका ये जो डायमीटर है इसका, डायमीटर नहीं सॉरी इसकी जो चौड़ाई है इसके अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी ये गो वाला जो होता है लंबा होता है, और नॉट गो वाला जो होता है वो चपटा थोड़ा सा होता है। इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। पहला हो गया हमारा डबल इंडेड लिमिट प्लग गेज, दूसरा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो होती है, इस प्लग गेज के गो और नॉट गो एक ही तरफ में व एक ही सीध में बने होते हैं। गो सिरा जो होता है आगे, और नॉट गो सिरा जो होता है यानी नो गो सिरा, वो उसके पीछे होता है। इस गो सिरा का मिनिमम परमिशनेबल डायमेंशन में और नो गो मैक्सिमम परमिशनेबल डायमेंशन में बना होता है, ठीक है। जिस तरह आपने डबल इंडेड लिमिट प्लग गेज को देखा, सेम उसी प्रकार इसमें भी आपका ये गो वाला देख रहे हैं, आपका गो वाला और नॉट गो से चौड़ा है, यानी कि ये मिनिमम है, यानी कि मिनिमम, और ये जो है हमारा मैक्सिमम, ठीक है। ये मिनिमम ये मैक्सिमम होल में एक ही साइज के होल में ये चेक कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे चलते हैं तीसरे प्लग गेज के बारे में। तीसरा जो प्लग गेज है हमारा, ये है टेपर प्लग गेज। टेपर यानी टेपर जो होल होते हैं उसको मेजर करने के लिए ये टेपर प्लग गेज बने होते हैं, जैसे कि नाम से। टेपर क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक देखें, ये टेपर में है, ठीक है ना, तिरछे है, यानी कि ये भी तिरछा है, इसको बोलते हैं टेपर गेज है। टेपर होल को ये मेजर कर लेगा, ठीक है। तो टेपर प्लग गेज स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है। इसका प्रयोग टेपर सुराखों की टेपर की शुद्धता जांचने के लिए करते हैं। सुराख चेक करते समय यदि गेज सुराख में ढील रह जाए तो समझना चाहिए कि सुराख की टेपर सही नहीं है, डेट्स क्लियर। अब चलते हैं चौथे प्लग गेज की तरफ। चौथा प्लग गेज है स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। इस गेज में
जो स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज है, ये गेज क्या होता है, इस प्लग गेज का एक सिरा, जैसे कि आपका एक सिरा क्या है चूड़ीदार, तथा तो दूसरा सिरा जो हमारा होता है सिलिंड्रिकल प्लेन होता है, ठीक है। चूड़ीदार सिरा जो होता है चूड़ी को, मतलब जो भी हमारे नट होते हैं उसके चूड़ी को ये चेक करता है, और जो सिलिंड्रिकल जो सिरा जो है, दूसरा सिरा जो है, ये हमारा जो माइनर डायामीटर है यानी माइनर व्यास, उसको चेक करता है, ठीक है। तो पांचवा कौन सा थ्रेड हमारा है, पांचवा थ्रेड हमारा लिमिट प्लग गेज, नहीं सॉरी लिमिट थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो गेज होते हैं इसमें दोनों की ओर चूड़ी कटी होती है, लेकिन एक जो सिरा होता है गो थ्रेड, ठीक है, गो थ्रेड लिमिट प्लग गेज यानी गो, दूसरा जो होता है नॉट गो। गो सिरा लंबा व नॉट गो लंबाई में छोटा होता है, ठीक है। गो सिरा का साइज लो लिमिट साइज होता है, जबकि नॉट गो हाई लिमिट साइज का होता है। उसके जाने पर चूड़ीदार सुराख रिजेक्ट माना जाता है। इस गेज की बॉडी अर्थात हैंडल नर्म धातु जैसे एल्युमिनियम का होता है, जबकि गो और नॉट गो सिरा जो होता है हाई स्टील के बने होते हैं। कुछ गेज सारे ही हार्ड स्टील का बना होता है। इससे सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट गेज कहते हैं, इसे सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट गेज कहते हैं, तथा जिस गेज के सिरे व बॉडी अलग अलग धातुओं की होती है उसे रिप्लेसेबल टाइप कहते हैं। इस गेज का हैंडल व बॉडी एबोनाइट व प्लास्टिक का बना होता है, ताकि हाथ की गर्मी के प्रभाव से गेज इंड पर न पड़े, और तथा यह भार में हल्के व रिप्लेसेबल रहे। जो थ्रेड प्लग गेज होता है उसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानि भी होती है, ठीक है। इसके लाभ क्या क्या हैं, इसका लाभ यह है इसे जाप को चेक करने के में समय कम लगता है। एक बिना कुशल कारीगर यानी कि अकुशल कारीगर भी इसे आसानी से कर सकता है। जो प्रोडक्शन का दर है वो बढ़ जाता है। इससे थ्रेड की आकार व प्रोफाइल चेक होता है, लेकिन जहां लाभ होता है वहां पे कुछ हानियां भी होती है। क्या हानियां हैं, इनका प्रयोग केवल निश्चित साइज व आकार के लिए ही होता है, यानी कि एक निश्चित आकार का ही बना होता है। यह एक पार्ट के लिए ही उपयोगी होता है, दूसरे पार्ट के लिए नहीं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसे दूर करना कठिन होता है, ठीक है। अब जो प्लग गेज है उसको हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे प्लग गेज से, ठीक है। प्लग गेज की साइज जो भी है वो हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें आपको ये दिख रहा होगा गो और नॉट गो, इसमें भी गो और नॉट गो,
गो और नॉट गो, ये प्लग टाइप लिमिट गेज है एंड डबल इंडेड जो लिमिट टाइप था आपका प्लग गेज ये है। इसमें देखिए जो इसका सिलेंड्रिकल रॉड है, ये देखिए इसका जो लंबाई है इसकी ज़्यादा है, इसकी लंबाई जो है छोटी है, ठीक है ना, कम है। ये नॉट गो वाला कम होता है और ये गो वाला ज़्यादा होता है। अब दोनों को हम यहाँ पर, तो हमारे पास कोई ज़्यादा होल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस वर्नियर कैलिपर से पहले तो इसकी साइज मेजर कर लेते हैं, साइज कितनी है। देखिए इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 30 का मीन्स होता है ये 30 मिलीमीटर का इसकी डाया है। अब देखिए गो वाला हिस्सा चेक कर रहे हैं हम लोग, ये रीडिंग आपको दिखाई दे रही है कितनी है 30। ये जो रीडिंग दिख रहा है 3 के सामने 0 वाला पॉइंट, देखा, यानी बिल्कुल ये 30 पर ही है, ठीक है। जो ये साइज बनी हुई है ये जो गो की, ये 30 मिलीमीटर की साइज में है गो। अब आते हैं इस पे, हम लॉक कर देते हैं इसको, यानी इस होल में ये नॉट गो जो है जाएगा, देखिए नहीं जाएगा, जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका साइज जो है नॉट गो का इससे अधिक है। कितना अधिक है इसको चेक कर लेते हैं, आपको हमने पहले भी पहले वर्नियर कैलिपर का रीडिंग निकालना सिखाए थे, इसमें आइए रीडिंग देखिए 30 से कुछ आगे है, कौन सा हिस्सा सीध में है ये काउंट कीजिए, जो 3 वाला जो है ये बर्नियर कैलिपर का जो 3 है पॉइंट, जो बर्नियर कैलिपर का जो ये 3 पॉइंट है ये बिल्कुल सीध में है, यानी कि ये कितना है 5, 10, 15वां डिवीज़न है, 15 डिवीज़न इसके लिस्ट काउंट, एक डिवीज़न कितने के बराबर है 0.2, यानी 15 × 30 यानी कि 3, ये हो गया आपका 30.3 mm इसकी रीडिंग हुई। ठीक है, जो इसकी रीडिंग है 30.3 mm, दैट्स क्लियर। यानी कि ये 30 और 30.3 mm क्या है, ओवर है, नॉट गो। इसी तरह ये भी आपका है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये गो साइज है कितना है 55 का है। लॉक खोल दिया जाए, लॉक को चेक, ये देखिए चेक कर रहे हैं, सॉरी लॉक खोल दिए, ये देखिए साइज आपका 55, ठीक है 55 हो सकता है रीडिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुई हो, देखिए निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ये 55 पॉइंट कितना है, ये थोड़ा सा अधिक है, कितना अधिक है 2 के इक्वल सीध में है,
टू के नहीं इक्वल सीध में है, वन के इक्वल सीध में है, ठीक है, वन के इक्वल सीध में है, यानी कि फाइव, यानी कि जीरो ये हो गया 55.1। ये 55.1 थोड़ी सी इसमें टैलेंट से कहीं आई है बनावट में, ठीक है, जंग खाया होगा तो 0.1 mm का ये डिफरेंस आ रहा है, जबकि ये रीडिंग लिखा हुआ है 55। क्लियर। अब आते हैं इसका नाट गो, नाट गो में कितना है देखा जाए, इसको लॉक खोल दिया जाए, नाट गो की साइज है 50 AB है, 50 से थोड़ी सी अधिक है, कितनी अधिक है देखते हैं, 2 वाली बिल्कुल सीध में है, यानी कि 5 5 10 डिवीज़न, 10 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट कितना होता है इसका 0.02, यानी 10 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, यानी कि ये जो नाट गो है ये आपका 55.02, यानी कि 0.1 mm का ये ओवर है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर आया है ये गेज, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। गेज को हमने नहीं बनाया है, एक कंपनी का बना हुआ है, बस आपको एग्जांपल दिए, ये 30 लिखा हुआ है, 30 mm का, 55 mm का, ये जो गेज है ये 25 mm का, इसी तरह कई रेंज में हमारे पास गेज रखे हुए हैं, सभी गेज आपको दिखा नहीं सकते हैं, दिखाने पर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया है कि प्लग लिमिट गेज क्या होता है, गेज क्या होता है, गेज से क्या करते हैं, गेज से कैसे मापते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।